माँ शीतला के यूं तो देश भर में कई प्राचीन मंदिर हैं, जैसे राजस्थान के पाली जिले में, जबलपुर के पास पालन में घमापुर शीतला माई मार्ग पर और भोपाल की बड़ी झील के किनारे शीतला माता मंदिर। मगर देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में जो शीतला माँ का मंदिर है, उसे सबसे विशेष माना जाता है। देश में 9 शक्तिपीठों में से एक शीतला माता का ये दरबार गुरुग्राम शहर की पहचान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जाट और गुजर समेत कई समाजों में उनकी कुलदेवी के रूप में मान्यता है। यहाँ पर न केवल स्थानीय बल्कि दूसरे प्रांतों से भी लोग आकर बच्चों के मुंडन व शादी विवाह करते हैं। माँ शीतला, जिनका सबसे पहला उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, माता शीतला को बहुत विशेष स्थान प्राप्त है। माता का स्वरूप बहुत शीतल है और रोगों को हरने वाला है। इनका वाहन है गधा और इनके हाथों में रहते हैं कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते। नवरात्रों में भक्त खुशहाली और सलामती की कामना लेकर माँ शीतला के दरबार में माथा टेकते हैं, मन्नतें मानते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। शीतला माता का मंदिर है बहुत पुराना प्राचीन। यहाँ माता रानी सारी इच्छा पूरी करती है। मैं तो बहुत परेशान सी पिछले साल, इतनी माँ के मैंने नाक रगड़ती हुई है। माँ मेरी बहुत रक्षा करी, जान बख्शी मेरे आदमी माता रानी। माँ भगवती जय हो। बहुत माता झोली भर देती है, कुछ भी बीमारी सीमारी जो भी है, जिसकी संतान ना हो उसकी संतान हो जाती है, और जो कोई बीमारी से कष्ट से होता है उसका कष्ट मिट जाता है। मैं आज वो कष्ट ही मैंने बोला था, वो ही आज मैं उसकी माता दोबारा आई। ये माता रानी मेरी जैसी रक्षा करी सबकी करेगी, बहुत रक्षा करती है माँ भगवती। जय हो माता रानी, जय हो माता रानी। यही आस्था है कि इनके उसमें मेरे को जो है बड़ी खुशी होती है और मनोकामना पूरी होती है। भक्तों की श्रद्धा से प्रसन्न होकर माँ शीतला उन्हें आरोग्य, सुख और सुरक्षा का वरदान देती हैं। शीतला माता के मंदिर की कहानी को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य यहीं पर कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया करते थे। जब महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी कृपा उनके साथ सती हो गई। माना जाता है कि लोगों के लाख मनाने पर भी वे नहीं मानी और 16 श्रृंगार कर सती होने का निश्चय लेकर गुरु द्रोण की चिता पर बैठ गईं। उस समय उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरे सती स्थल पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचेगा उसकी मन्नत जरूर पूरी होगी। माता शीतला के इस मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि यहीं पर आचार्य द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र और शस्त्र का प्रशिक्षण देते थे। महर्षि शरद्वान की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ गुरु द्रोणाचार्य का विवाह हुआ था। जब गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे तो उनकी पत्नी कृपी 16 श्रृंगार कर गुरु द्रोणाचार्य के साथ उनकी चिता पर बैठी। लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, परंतु अपने पति की चिता में सती होने का दृढ़ ले चुकी थी।
कृपी ने लोगों की बात नहीं मानी। सती होने से पूर्व उन्होंने लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मेरे सती स्थल पर जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचेगा वे अवश्य पूरी होंगी। ये 5000 वर्ष महाभारत के काल से ही बताते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जिनकी पत्नी माँ कृपी यहाँ साक्षात विराजमान है, ऐसा शास्त्रों का लेख बताते हैं। भरतपुर नाम से एक राजा ने 1650 सन में गुड़गांव में जहाँ पर माता कृपी सती हुई थी एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया तथा उस मंदिर में 1.25 किलो सोने से निर्मित माता कृपी की मूर्ति स्थापित करी। माता कृपी का शीतला माता नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है तथा दुनिया भर से लाखों भक्त अपनी इच्छाएं लिए इस मंदिर में माता के दर्शनों को आते हैं। यहाँ वैसाख और आषाढ़ के पूरे महीने तथा अश्विन के नवरात्रों में बहुत ही विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। माँ भगवती का दरबार जो गुरुग्राम शहर है गुरुग्राम के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका पुनः दोबारा से गुरुग्राम नाम प्राप्त हुआ है, बीच में गुड़गांव हो गया था। यह मंदिर कौरव पांडवों के समय से ही विराजमान है। माँ भगवती कृपी माता ने अश्वत्थामा की मदर द्रोणाचार्य जी की पत्नी माँ भगवती कृपी ने यहाँ पर आराधना की। उन्होंने आराधना करके माँ भगवती के इस प्रकार स्वरूप को प्राप्त किया और भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद दिया। शीतला माता को रोगों से बचाने वाली देवी भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में इनका जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उसके अनुसार इन्हें स्वच्छता की देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि शीतला माता के कोप से ही चेचक रोग पनपता है, इसलिए इस रोग से मुक्ति के लिए आटा, चावल, नारियल, गुड़, घी इत्यादि माता के नाम पर रोगी श्रद्धालुओं से रखवाया जाता है। प्रतिमा की यह है कि ये माँ और शीतला माता, इसका नाम ही शीतला है, जो इसके दर्शन करके मत्था टेकते हैं वो सब, अगर कितना भी क्रोध हो, कितने भी इतिहास में बताते हैं कि पहले लोगों के शरीर में यहाँ जलन पैदा होने लगी और चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, तो जो जल से माता सुबह 4 बजे स्नान करवाते हैं उसके अगर छींटे मार देते हैं तो आज भी जिनको माता निकटते वो शांत हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में प्राचीन काल से ही शीतला माता का महात्म्य बहुत अधिक माना गया है। उत्तर भारत मैदानी इलाके की सबसे बड़ी माता माँ शीतला मानी जाती है। वैसे तो माँ शीतला को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिन पूजते हैं लोग बाग। माँ शीतला के हर इलाके में मंदिर हैं। मुख्य मंदिर हमारे गुरुग्राम का है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है, तो इसलिए माँ शीतला का मंदिर है। और यहाँ मनोकामना का की बात कहें तो आपको अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने कहा कि मैं माँ को विनती करके आया और मेरी पूर्ण हुई। इसका एक जीता जागता उदाहरण जो बड़ा इतिहास में बड़ा उसका जिक्र आता है, जब भरतपुर के राजा दिल्ली फतेह करने गए तो माँ से विनती करके गए थे और माँ के आशीर्वाद से दिल्ली फतेह करी, आते उन्होंने मंडी बनाई। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं इतिहास में जिनसे चमत्कार हुआ। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि आप मेले के दिनों में चैत्र मास की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ से करीबन 400-500 किलोमीटर की दूरी तक का व्यक्ति यहाँ दर्शन करने आता है और आस्थाएं हैं, विश्वास है, तभी वो आ रहा है। माना जाता है कि मंदिर में माता शीतला की पूजा करने से व्यक्ति को कभी चेचक का रोग, जिसे स्थानीय भाषा में माता आना भी कहते हैं, नहीं होता। इसके साथ ही यहाँ लोग अपने बच्चे का प्रथम मुंडन भी करवाते हैं। माँ भगवती के दरबार में माँ भगवती शीतला माता को कुलदेवी कहा जाता है। बच्चों के प्रथम मुंडन संस्कार, विवाह की गठजोड़ी की जाते हैं यहाँ पर विशेष रूप से लगती हैं। उत्तर भारत में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश से, यहाँ तक कि पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ माँ भगवती दरबार में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, जो भी इच्छाएँ उनके मन में होती हैं उसकी पूर्ति के लिए माँ भगवती के दरबार में आती हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करती हैं और
ऐसा विश्वास है कि माँ भगवती उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। शीतला माता का यह 500 साल पुराना मंदिर कई आस्थाओं का प्रतीक है। छोटे बच्चों के मुंडन के लिए इस मंदिर की अधिक प्रसिद्धता है। यहाँ मुंडन करवाने से उनके जीवन में आने वाले दुखों से मुक्ति मिल जाती है। उनकी मुरादें भी माता अवश्य पूरी करती हैं। जय शीतला माता। यह मंदिर शीतला माता का कौरव पांडव के टाइम का ही मंदिर है। ये प्राचीन काल से ही माता की मान्यता बहुत ज़्यादा चली आ रही है। यहाँ राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली NCR में माता की विशेष मान्यता मानी जाती है। जिसको भी संतान से संबंधित कोई परेशानियाँ होती हैं, वो सभी भक्त यहाँ आके अपनी अर्जी लगाते हैं और उनको उस सब चीज़ों से लाभ मिलता है। जैसे बच्चे को बोलने में तकलीफ हो रही है या किसी को संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, ऐसी समस्याओं को लेकर के लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मुंडन के कार्य भी यहाँ विशेष रूप से किए जाते हैं। यहाँ इसी सभी प्रदेशों के लोग यहाँ आकर के बच्चों का मुंडन कराते हैं और विवाह के बाद में जोड़े के साथ आकर के माता के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाते हैं। गुड़गांव स्थित शीतला माता में वैसे तो देश भर के श्रद्धालु आते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के श्रद्धालुओं की होती है। नवरात्र के दिनों में शीतला माता के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साल में दो बार चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र के समय शीतला माता के इस मंदिर का नजारा अद्भुत होता है। दोनों नवरात्रों में एक महीने तक मेला लगता है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। इस दौरान लगभग 50 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। माता भी इस समय भक्तों का इम्तिहान लेती है, जिन्हें माँ के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। इसके बाद माता के दर्शन कर भक्त अपने को धन्य समझते हैं। शीतला माता के इस मंदिर की खासियत ये भी है कि श्रद्धालु नवजात बच्चों का प्रथम मुंडन संस्कार यहीं पर करवाना शुभ मानते हैं। हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में एक मुंडन संस्कार होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, उसके माता पिता किसी देव स्थान पर जाकर मुंडन कराते हैं। हमारे उत्तर भारत में, राजस्थान में, यूपी में और जगह जगह से लोग जहाँ जहाँ जिसकी मान्यता है, वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चे का प्रथम मुंडन संस्कार यहाँ कराते हैं। बच्चे की दीर्घायु के लिए, बच्चा यशस्वी बने, दीर्घायुवान बने, विद्वान बने, ऐसी कामना लेकर के माँ शीतला के दरबार में आते हैं। क्योंकि शीतला माता के विषय में कहा जाता है, शीतले तुम जगन माता, माँ भगवती श्री शीतला माता के लिए शब्द कहा गया है। शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतला ही नमो नमः। पद्म पुराण के अनुसार माँ भगवती शीतला ही संसार की सबसे बड़ी माता है। आप किसी गांव में जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं खेरादि देवत का स्थान बना होता है, वो शीतला माता का स्वरूप होता है। तो गुड़गांव में माँ विराजमान है। जो लोग यहाँ पर श्रद्धा आस्था लेकर आते हैं, माँ भगवती उनकी सभी आस्थाओं की, सभी भावनाओं की पूर्ति करती है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। बोल सच्चे दरबार की जय। मंदिर के मुख्य द्वार के पास बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ है। श्रद्धालु अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए पेड़ से चुन्नी या मौली बांधकर शीतल जल चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। माता बच्चों की संरक्षिका है। स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए माता की पूजा करती हैं। माता रानी में बहुत बढ़िया आस्था है हमारे, हम सरों से भी मानते हैं इनको। हमारे गांव में भी बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाता है माता रानी का पर्व। शीतला माता का त्यौहार भी हम मनाते हैं और मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। बिल्कुल शीतला माता जी हर मनोकामना पूर्ण करती है और बहुत बढ़िया श्रद्धा भी है। हमारी नवरात्रि विशेष पेशकश में अभी इतना ही। कल फिर आपको ले चलेंगे माता के किसी और दरबार में। जय माता दी।